सो हेलो एंड वेलकम, स्वागत है फॉरेक्स फॉर अनबॉक्स में। तो रिसेंटली ओप्पो ने अपनी रेनो 10 सीरीज इंडिया में लॉन्च किया है, जिसके अंदर ओप्पो रेनो 10, 10 प्रो और 10 प्रो प्लस लॉन्च किया है। तो आज हम रिव्यू करने वाले ओप्पो रेनो 10 प्रो की। उससे पहले बता दूँ कि रेनो 10 सीरीज जो है वो कैमरा सीरीज है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे में रिव्यूज़ लाता रहता हूँ। तो पहले बात करते हैं फ़ोन की डिज़ाइन की, जिसमें आपको बैक में ग्लास बॉडी देखने मिलता है, फ्रेम भी प्लास्टिक में देखने मिलता है। अगर लुक की बात करें तो रेनो 10 सीरीज़ में कुछ यूनिक डिज़ाइन किया है कैमरा का, जो डिज़ाइन है वो एक प्रीमियम लुक लेके आता है। तो पोल्स और बटन की बात करें तो राइट में आपको वॉल्यूम बटन, पावर बटन, टॉप में आईआर ब्लास्टर, नॉइस कैंसलेशन माइक, बॉटम में टाइप सी पोर्ट, माइक, सिम ट्रे, जिसमें आपको ड्यूअल सिम का सपोर्ट देखने मिल जाता है। तो बात करते हैं हम डिस्प्ले की, जिसके अंदर आपको 6.7 इंच का एक कर्व डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एमोलेड पैनल है, साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाता है। ब्राइटनेस नीट की बात करें तो 950 नीट्स का ब्राइटनेस पीक है, तो आउटडोर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो एक परफेक्ट डिस्प्ले का होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ ही मिल जाता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं फ़ोन के परफॉर्मेंस की, जो फ़ोन को थोड़ा डाउनग्रेड में डाल देता है, जो वो है उसका प्रोसेसर। तो ओप्पो रेनो 10 प्रो में स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर मिल जाता है, जो अराउंड 2530 की रेंज वाला प्रोसेसर है। और रैम की बात करो तो 12GB LPDDR4X है रैम, और स्टोरेज 256GB UFS 2.2 है। इतना स्टोरेज देने के बाद भी स्टोरेज टाइप थोड़ा डाउन है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉयड 13 आपको आउट ऑफ बॉक्स मिल जाता है, कलर OS 13 मिल जाता है, तो सॉफ्टवेयर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, क्योंकि इसके अंदर 4 ईयर का सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाता है, 5 ईयर का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने मिल जाता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इस प्राइस रेंज से कहो तो एक एवरेज होगा, क्योंकि 40,000 की रेंज में एक अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए था इसका। फ़ोन के डाउनग्रेड की बात तो कर ली, अब करते हैं अपग्रेड की बात। तो ओप्पो रेनो 10 प्रो में मिल जाता है आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप, जो है मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 890 का सेंसर है, 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, इसके अंदर कोई डेप्थ कैमरा नहीं है, वो अच्छी बात है। और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का IMX709 का सेंसर है, जो सेल्फी कैमरा है। अगर फ़ोन के कैमरे की क्वालिटी की बात करूँ तो आपको डे लाइट में और नाइट में भी एक अच्छा इमेज क्लिक करके देता है, और HDR में आपको वीडियो शूटिंग करके भी देता है। अगर वीडियो शूटिंग की बात करूँ तो 4K 30 FPS से वीडियो शूट कर सकते हो, जिसमें आपको OIS का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो डे लाइट और लो लाइट में भी कैमरा की अच्छी सेल्फी क्लिक करके देता है, और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 1080 30 FPS तक ही वीडियो आपको शूट करके देता है। तो ओवरऑल कैमरे की बात करें तो एक अच्छा कैमरा का होगा इस प्राइस रेंज पर। तो फाइनली बात करते हैं फ़ोन की बैटरी की, जिसमें आपको 4600 mAh का बैटरी देखने मिल जाता है, साथ में 80W का सुपर वॉक चार्जर। तो ये 35 मिनट में आपको फुल चार्ज करके देता है। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो एक दिन आप आराम से चल जाएगा। तो ओवरऑल फ़ोन की बात करें तो अगर आपको अच्छा कंटेंट व्यू चाहिए, फ़ोटो क्लिक के लिए चाहिए, तो फ़ोन एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको गेमिंग करना है, थोड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो कैसा लगा फ़ोन और वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।